हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है अपना स्वीट सा यूट्यूब चैनल स्पीड लर्निंग में। दोस्तों आज हम लोग पढ़ने वाले हैं ट्रिगोनोमेट्रिक रेशियोज ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, यानी जिसे हिंदी में कहते हैं पूरक कोण का त्रिकोणमितीय अनुपात। आज हम लोग ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये होता क्या है, इसको स्टेप बाय स्टेप आज हम लोग प्रूव करने वाले हैं। जैसे देख लीजिए, कोई एक राइट एंगल ट्राइंगल, जिसे हिंदी में समकोण त्रिभुज कहते हैं। समकोण त्रिभुज क्यों, क्योंकि यहाँ जो एंगल होती है वो 90 डिग्री होती है, समझ गए। और मान लीजिए ए बी सी इसका नाम है, मान लीजिए कि ये समकोण त्रिभुज है, इसका नाम ए बी और सी है। ध्यान से आप लोग को देखना है, यह एक समकोण त्रिभुज है जिसका नाम हम लोग रख दिए। आप लोग कुछ भी नाम रख सकते हैं, जैसे एक्स रख सकते हैं, वाई रख सकते हैं, जेड रख सकते हैं। उसी तरह मैंने अपना से रख दिया, इसका नाम ए है, इसका नाम बी है, इसका नाम सी है। तो अब यहाँ बात यह आती है कि आप लोग को एक चीज अच्छा से जानने का जरूरत है। जैसे देख लीजिए, आप लोग को अच्छा से जानने का जरूरत है। पहले देख लो, कोई भी ट्रायंगल हो, एक बेसिक चीज मैं आपसे पूछता हूँ, कोई भी ट्रायंगल हो उसके तीनों साइड का जो एंगल्स है उनका मतलब ऐड करेंगे तो कितना होगा। जैसे साइड वाला एंगल, एक तो एंगल ए हो गया प्लस एक तो एंगल बी वाला साइड हो गया प्लस एक तो सी वाला साइड हो गया, इसको ऐड करेंगे तो कितना होगा। यानी कि यहाँ जो एंगल है, यहाँ जो एंगल है और यहाँ जो एंगल है, इसको तो आप जानते ही हैं 90 डिग्री है। यहाँ 90 डिग्री है ना, इसको आप जानते हैं कि 90 डिग्री है। तो टोटल जो तीनों जो कोण होती है उसको अगर आप जोड़िएगा किसी भी ट्राइंगल में, तीनों जो एंगल होती है उसको जोड़िएगा किसी भी ट्राइंगल में, तो उसका जो सम आएगा 180 डिग्री आएगा, समझ गए। तो हम लोगों को क्या पता है, यहाँ बी वाला एंगल पता है, तो यहाँ रख लेंगे ए बी का मान कितना है 90 डिग्री प्लस सी 180 डिग्री हो गया। अब 90 डिग्री को उधर भेजेंगे तो माइनस में चल जाएगा, ए प्लस सी 180 डिग्री माइनस 90 डिग्री, क्योंकि इजिकल टू जो बराबर का चिन्ह है, बराबर का साइन है, इसके इसको उधर भेजने से ये माइनस में आ जाती है। तो इसलिए क्या होगा कि ए हो जाएगी प्लस सी हो जाएगी, तो यहाँ हो जाएगी 90 डिग्री। 180 से माइनस 19 घट गया, सॉरी माइनस 90 घट गया, तो 90 डिग्री हो गई। आप इसको यहाँ ध्यान से देखिए, इसका मतलब यह 90 डिग्री है, तो ये कोण और ये कोण, ये ठो एंगल और ये ठो एंगल का सम 90 डिग्री होगा, क्योंकि यहाँ 90 डिग्री हो गया। और पूरा जो ट्राइंगल है उसके जो एंगल का सम होती है 180 डिग्री होती है। जब ये 90 हो गया तो 90 घट जाएगा, और ये इसका सम कितना है 90 डिग्री है। देखिए एंगल ए और एंगल बी जो साइड है, इसका जो एंगल है, उन दोनों का सम है 90 डिग्री। अगर मान लीजिए कि मैंने यहाँ कोई एंगल थीटा मान लिया, देख लीजिए, समझ लीजिए कि मैंने यहाँ मान लिया एंगल कोई थीटा, चलो मैंने यहाँ एंगल मान लिया थीटा, तो ये एंगल आप बता सकते हैं कितना होगा, ये एंगल क्या बता सकते हैं कितना होगा। जैसे मैंने सी वाला एंगल क्या माना है, सी वाला एंगल क्या माना है, थीटा माना है। सी वाला एंगल देखिए यहाँ थीटा का मान बैठा, थीटा माना है, तो क्या आप ए वाला एंगल बता सकते हैं। देखिए आप थीटा को उधर भेजिए, क्या हो गया 90 माइनस थीटा, इसलिए इसको अगर थीटा माने तो ये ए वाला एंगल 90 माइनस थीटा हो जाएगा। जिस तरह आप यहाँ देख सकते हैं, यहाँ कितना हो गया 90 माइनस थीटा, ये अगर थीटा माने हैं तो ए वाला एंगल कितना हो जाएगा 90 माइनस थीटा। इसको आप अच्छा से एक बार और देख लीजिए अच्छा से, ये थीटा हुआ, ये 90 माइनस थीटा हो जाएगा, क्योंकि एक ट्राइंगल के तीनों कोण का योग या सम 180 डिग्री होता है, ये 90 हो जाएगा, तो बचेगा 90, ये अगर थीटा मान लिए 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिंपली आप देखिए, अभी यहीं से खेला स्टार्ट होगा, ये तो मैं बेसिक कर रहा था।
ये जो चल रहा था अभी बेसिक चल रहा था, आप देखिए यहीं से स्टार्ट होगा। ये मैं बार बार आपको नहीं बताऊंगा कि ये कितना है, ये 90 डिग्री है। आपको 3-4 क्लास थी आपको बता दें कि 90 डिग्री एंगल क्या होता है, बराबर। 90 डिग्री के ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं, हाइपोटेनस। जो भी 90 डिग्री एंगल जो है उसके ठीक सामने वाले को हाइपोटेनस कहते हैं। थीटा के ठीक सामने वाले को क्या कहते हैं, परपेंडिकुलर। ये थीटा है ना, इसके ठीक सामने वाले को परपेंडिकुलर कहते हैं। जो नीचे बचा उसको क्या कहेंगे, बेस। जब ये परपेंडिकुलर हो गई, ये हाइपोटेनस हो गई, जो तीसरा बचता है वो हो जाता है बेस। आपको लिख लेना सिंपली, तो इस तरह आप लिख लिए। तो आपको यहाँ करना क्या है, आपको करना है कि साइन थीटा का यहाँ वैल्यू लिखना। साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, एक तरफ मैं थीटा के आधार पर साइन थीटा का वैल्यू लिखूंगा, एक बार साइन 90 माइनस थीटा के आधार पर इसका वैल्यू लिखूंगा। देखिए आप ध्यान से देख लीजिए कि साइन थीटा का लेंगे तो साइन थीटा का पी बाई एच होता है, साइन थीटा का थीटा के ठीक आगे वाला परपेंडिकुलर होती है तो परपेंडिकुलर पी हो जाएगी, थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होती है पी बाई एच यानी हाइपोटेनस हो गई साइन थीटा का। उसी तरह कॉस थीटा लिखूंगा, कॉस थीटा क्या है, बी बाई एच। उस तरह टेन थीटा लिखूंगा, मैं छोटा करके लिखना था हमको, ठीक है कोई बात नहीं, मैं लिख देता हूँ छोटा करके बी बाई एच। और टेन थीटा का हो जाएगा पी बाई बी। उसी तरह देख लो कि उसी तरह कॉसेक थीटा का क्या होगा, साइन थीटा, कॉसेक थीटा क्या होती है, साइन थीटा का उल्टा होती है। कॉसेक तो थीटा होती है, वो साइन थीटा का उल्टा होती है। तो मैं सिंपली यहाँ ऐसे करके लिख लेता हूँ, कॉसेक थीटा जो साइन थीटा का उल्टा है, समझ गया। उसी तरह कॉस थीटा का उल्टा क्या होती है, सेक थीटा। उसी तरह टेन थीटा का उल्टा क्या होती है, कॉट थीटा। जैसे देखिए ये साइन थीटा का वैल्यू कितना है, पी बाई एच, तो कॉस थीटा का, कॉसेक थीटा का अगर निकालेंगे तो कितना लिखना होगा, पी बाई एच देंगे बटा कॉसेक थीटा लिखेंगे। कॉसेक थीटा को अगर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, या इसे उल्टा कर देंगे तो डायरेक्ट लीजिए कोसेक थीटा, आप इधर वाले साइड को भी उल्टा कर दीजिए, एच बाई पी हो जाएगा, समझ गए। इसी तरह से आप कोसेक थीटा का वैल्यू निकाल सकते हैं। साइन थीटा का उल्टा सिंपली कोसेक थीटा, साइन थीटा अगर पी बाई एच तो कोसेक थीटा एच बाई पी, सिंपली उल्टा कर देना आपको। इस तरह से हो गया। आप यहाँ देखने की ज़रूरत है, हम लोग को क्या करनी है, या ऑब्जर्व करने की ज़रूरत है एक चीज़। जब मैंने यहाँ थीटा यहाँ लिया था, थीटा जब ये लिया था तो परपेंडिकुलर ये हो रहा था और बेस ठीक ये हो रहा था। लेकिन अगर थीटा की वैल्यू यानी कोई एंगल अगर ये लूँ तो साइन थीटा की वैल्यू क्या होगी। आप देखिए जैसे मैं साइन, आपको यहाँ एंगल है इतना लूँ थीटा की वैल्यू, अच्छा कोई एंगल इतना है इतना लूँ। देखिए जैसे समझ लीजिए जैसे ये है ना, एंगल ये है 90 माइनस थीटा, तो इसको अगर ना लिख कर हम लोग अगर इतना वैल्यू लिए और लिखे कि साइन इतना का वैल्यू क्या होगा, सिंपली ये तो कोई थीटा ही कौन है ना, कोई ये तो कोई एंगल ही है ना, तो एंगल के ठीक सामने वाला क्या होती है, परपेंडिकुलर। अब क्या बन जाएगी दोस्तों, ध्यान से देखिए अब बन जाएगी कि थीटा के ठीक सामने वाला तो बेस है, लेकिन बेस तो परपेंडिकुलर होना चाहिए ना, कि साइन थीटा के लिए लिखेंगे। अब क्या होगी कि ए थीटा के लिए बेस ही क्या बन जाएगी, ये तो थीटा के लिए बेस ही परपेंडिकुलर बन जाएगी, क्योंकि थीटा के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होती है। आप ए साइन के लिए क्या लिखेंगे, बी बाई एच लिखेंगे, समझ गए। उसी तरह कॉस थीटा ये आप यहाँ परपेंडिकुलर ये हो गई, तो बेस सिंपल ये होना चाहिए, कॉस थीटा ये सॉरी कॉस ए, यहाँ हो जाएगी पी बाई एच, क्योंकि एंगल के ठीक सामने वाला क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है, एंगल के ठीक सामने वाला परपेंडिकुलर होती है। तो इस तरह से आप लिख सकते हैं, बराबर।
टेन थीटा ए, टेन थीटा इजिकल टू हम लोग लिख सकते हैं, आप यहां परपेंडिकुलर क्या है बी है बाय पी, परपेंडिकुलर क्या है बी बाय पी, तो हो गया ए का वैल्यू क्या है, जैसे ए का वैल्यू कितना है 90 माइनस थीटा, तो हम लोग यहां सिंपली लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा, साइन 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या होगा बी बाई एच। क्यों किया, मैंने इसलिए किया कि ए का वैल्यू 90 माइनस थीटा है, ए का वैल्यू क्या है 90 माइनस थीटा है, इसलिए हम लोग यहां ए का वैल्यू 90 माइनस थीटा लिया। और कॉस थीटा अब देखिए, अब यहां इसी तरह ए का वैल्यू यहां कॉस में बैठा देंगे 90 माइनस थीटा पी बाई एच हो जाएगी, उसी तरह टेन में हम लोग यहां बैठा देंगे 90 माइनस थीटा इजिकल टू क्या हो जाएगी बी बाई पी। सिंपली हम लोग ने यहाँ कुछ नहीं किया, सिर्फ यहाँ ए का वैल्यू हम लोग यहाँ पुट किया है, सिंपली क्या किया है कि ए का जो वैल्यू है हम लोग ने यहाँ पुट किया है। आप सिंपली हम लोग लिख सकते हैं कि साइन का उल्टा क्या होता है कॉसेक 90 माइनस थीटा, आप देख सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होता है कि साइन का उल्टा कॉसेक 90 माइनस थीटा, उसी तरह इसका वैल्यू क्या हो जाएगा कि सेक 90 माइनस थीटा, और इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू हो जाएगा 1 बाई कॉट 90 माइनस थीटा, इतना हो जाएगी। अब दोनों रेशियो से हम लोग को कुछ ऑब्जर्व करना है, ध्यान से देखिए, दोनों रेशियो से हम लोग को कुछ ऑब्जर्व करना है। यहाँ साइन थीटा का मान पी बाई एच है, अब यहाँ देखेंगे किसका मान पी बाई एच है, साइन थीटा का मान पी बाई एच है, तो यहाँ देखिए कॉस 90 माइनस थीटा जो है इसका मान भी पी बाई एच है, सिंपली समझ लीजिए साइन थीटा का मान पी बाई एच है तो कॉस 90 माइनस थीटा का मान भी पी बाई एच है, तो हम लोग लिख सकते हैं, इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि साइन थीटा इजिकल टू पी बाई एच, और ये और कॉस 90 माइनस थीटा इजिकल टू ऑल्सो पी बाई एच, इसलिए कि जब आप कॉस 90 माइनस थीटा रहेगा तो आप इसको लिख सकते हैं साइन थीटा, समझ गए। उसी तरह जिस तरह मैं हम लोग ने यहाँ ऑब्जर्व किया, आप इसको अच्छा से नोट डाउन कर लीजिए, मैं इसको मिटाने वाला हूँ, समझ लिए। तो उसी तरह हम लोग यहाँ देखेंगे कि कॉस थीटा बी बाई एच, अब यहाँ किस में किसका वैल्यू बी बाई एच है, आप देख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू बी बाई एच है, तो सिंपली लिख लेंगे साइन 90 माइनस थीटा का भी वैल्यू ऑल्सो बी बाई एच है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू कॉस थीटा है, तो सिंपली आप ये भी हम लोग को मिल गया, ऑल्सो ये भी हम लोग को मिल गया, तो इसको भी आप लोग नोट डाउन कर लीजिए। अब हम लोग को करना क्या है, अब हम लोग को करना क्या है कि देखिए अब किसका वैल्यू, अब यहां देखिए कि किसका वैल्यू टेन थीटा इजिकल टू पी बाई बी, किसका वैल्यू पी बाई बी है, किसका वैल्यू पी बाई बी है, आप यहां ध्यान से देख सकते हैं कि जैसे आप यहां ध्यान से देख सकते हैं बी बाई पी है इजिकल टू कितना है 1 बाई कॉट 90 माइनस थीटा है, यहाँ देख सकते हैं b बाई पी है कॉस 90 माइनस थीटा है, इसको उल्टा करेंगे तो क्या होगा p
बी हो जाएगा, कॉट 90 माइनस थीटा हो जाएगी। आप यहाँ देख सकते हैं, आप यहाँ देख सकते हैं कि पी बाई बी जो है टेन थीटा का वैल्यू है, इसलिए टेन थीटा को हम लोग, टेन थीटा जो है इसको हम लोग कॉट 90 माइनस थीटा लिख सकते हैं। इस तरह से आपको कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक जो आइडेंटिटीज है आप यहाँ सीख सकते, सीख चुके हैं। इसका कुछ अब हम लोग एग्जाम्पल की बात करेंगे, आप लोग अब कुछ एग्जाम्पल हम लोग का इसका करने जा रहे हैं। जैसे मैंने आपको कोई एग्जाम्पल दिया इसका, जैसे ये एक नंबर एग्जाम्पल है, यहाँ दिया गया है कि कॉस 53 साइन 37, आपको यहाँ फाइन करने बोला है, आपको यहाँ फाइन करने बोला है। आप रोक के भी इसको बना सकते हैं, वीडियो को रोक करके भी इसको बना सकते हैं। जैसे आप सॉल्यूशन लिख लेते हैं, इसको सॉल्व कैसे होगा, जैसे हम लोग लिख लेते हैं कि क्या है, कॉस 53 है और साइन 37 है, तो इसको लिख सकते हैं कॉस 90 माइनस 37 लिख सकते हैं। 90 से माइनस 37 घटाएंगे तो 53 होगा, 90 से 37 घटाएंगे तो 53 होगा, फिर 53 मिल जाएगा हम लोग को, इसलिए हम लोग इसको लिख सकते हैं 53 को 90 माइनस 33। अब नीचे क्या है, साइन 37 है। आप लोग ने इसका फॉर्मूला पढ़ा है, कॉस 90 माइनस थीटा होती है, तो हम लोग लिख सकते हैं इसको साइन थीटा। उसी तरह यहाँ कॉस 90 माइनस थीटा का जगह में कितना है, 37 है, तो हम लोग लिख सकते हैं कि साइन 37 बटे साइन 37। ऊपर और नीचे 37 है, कट जाएगा, बचेगा 1, जो इसका वैल्यू आ गई 1 आ गई दोस्तों, यही आंसर हो जाएगा। उसी तरह आप दूसरा एग्जांपल लीजिए, दूसरा एग्जांपल है टेन 27 और कॉट 63। आप लोग वीडियो को रोक करके इसको बनाने की कोशिश कीजिए, आप लोग वीडियो रोक लीजिए उसके बाद इसको बनाने की कोशिश कीजिए। आप हम लोग यहाँ देख सकते हैं क्या हो सकता है कि सॉल्यूशन लिख लेते हैं कि टेन 27 और कॉट 63। हम लोग सिंपली यहाँ लिख सकते हैं, हम लोग क्या लिख सकते हैं कि टेन 90 माइनस जो थीटा है बराबर क्या होता है, कॉट थीटा। आप अपना कॉपी देखिए, ये आपको लिखा हुआ मिलेगा, इसको लिख सकते हैं। जैसे आप देखिए, आप इसको इसके रूप में बदलेंगे, 90 माइनस 63 कॉट 63। आप देखिए कि 90 से माइनस का 63 घटाएंगे तो 27 बचेगा, बचेगा कि नहीं, 90 से माइनस 63 घटाएंगे तो कितना बचेगा, 27। अब इसकी वैल्यू कितना होती है, जैसे यहाँ थीटा के जगह टेन 90 माइनस थीटा इज इक्वल टू कॉट थीटा। अब जब इतना बराबर कितना होता है, कॉट थीटा होता है, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं कि थीटा के जगह में यहाँ कितना है, 63 है, तो यहाँ कितना होगा, कॉट 63, और यहाँ क्या आती है, कॉट 63, ऊपर कॉट 63 नीचे कॉट 63, कट जाएगा, 1 बचेगा, यही 1 होगा, यही आंसर हो जाएगा। यहाँ हम लोग दो एग्जांपल कर चुके हैं, बहुत बढ़िया बढ़िया जो एग्जांपल था। आप क्वेश्चन जो आती है यही से आती है बिहार बोर्ड में और बंगाल बोर्ड में भी। अब मैं तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, तीसरा क्वेश्चन करने जा रहा हूँ, जैसे कि क्या है, कॉस 55 और कॉस 35 माइनस साइन 55 और साइन 35 बराबर, ये 35 है
इसको हम लोग को सॉल्व करना है, सॉल्यूशन लिखना है। आप लोग एक बार रोक करके ट्राई कर लीजिए। तो हम लोग देखिए, सिंपली हम लोग कॉस या कॉस 55 को हम लोग जो सिंपली हम लोग 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से माइनस 35 अगर घटा देंगे तो 55 आ जाएगा। तो सिंपली कॉस 35 को यहाँ उतार देना है। अब जो साइन 55 है, हम लोग इसको लिख सकते थे 90 माइनस 35 लिख सकते हैं, क्योंकि 90 में से 35 घटाएंगे तो साइन 55 हो जाएगा। अब यहाँ कितना हो गया, जो है 35 है उसको उतार लीजिए यहाँ। अब क्या आया कि कॉस, आप ये सिंपली हम लोग वो फॉर्मूला लगाएंगे, 90 माइनस 35 है तो साइन में आ जाएगा, साइन 35 आ जाएगा। अब यहाँ कॉस 35 आ गया, उसी तरह यहाँ साइन 90 माइनस 35 है तो क्या आ जाएगा, कॉस 35 साइन 35। अब देखिए दोनों साइड में देखिए कि साइन 35 कॉस 35, साइन 35 कॉस 35, दोनों साइड में देखिए कि वैल्यू बराबर है तो दोनों साइड कट जाएगी, इसका वैल्यू आ जाएगी 0। ये इसका आंसर हो जाएगा। मैं आपको सिर्फ ये सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सब जो आइडेंटिटीज है इसका इस्तेमाल कैसे किया जाता है। आप लोग देखेंगे जिसे 55 है इसको आप कॉस 55 है इसको आप चेंज करके साइन में किस तरह रहेंगे। जैसे कॉस 55 है, मैंने देखिए यहाँ कॉस अगर 55 है तो मैंने यहाँ चेंज किया है, इसमें चेंज किया है, 90 माइनस 35 में चेंज किया है। अब साइन 35 का जो वैल्यू होगी और कॉस 55 के वैल्यू के बराबर होगी। कॉस 55 को साइन 55 आप लिख सकते हैं। यहाँ देखिए फर्स्ट स्टेप, सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप, यही मैं आपको सिखाना चाहता हूँ। ये पूरा मैथ जो है आपको सिखाने के लिए ही तैयार किया गया है, बराबर। आप हम लोग एक प्रूफ देखेंगे, प्रूफ क्या होगा कि चार नंबर ये क्या है, एक दरअसल एक प्रूफ है। बोले कि इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90, देन प्रूफ साइन स्क्वेयर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। आप देख लीजिए, इफ अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, देन प्रूफ साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इज इक्वल टू 1। तो हम लोग यहाँ सिंपली हम लोग यहाँ प्रूफ करेंगे क्या करेंगे कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा बराबर है 1 के। जहाँ क्या दिया गया है, जहाँ दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा 90 है, क्योंकि आपको बहुत बार प्रूफ पूछता है और ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज का प्रूफ इस तरह होता है कि आपको पहले सोच लेना है कि आपको करना क्या है, नहीं तो आप दूसरा तरह में चल जाएंगे। पहले आप सोच लेंगे कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में हमको करना क्या है, पहले पूरा सोच लेना है कि किस किस तरह करना है, इसी तरह आप ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज बना पाएंगे, नहीं तो आप बनाएंगे कुछ और निकल जाएगा कुछ और। जैसे आप देख सकते हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर बीटा इजिकल टू क्या होता है 1। अब हम लोग को क्या दिया गया है, हम लोग को यहाँ दिया गया है कि अल्फा प्लस बीटा, यहाँ लिख लेता हूँ, हम लोग को दिया गया है अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यहाँ लिखने से अच्छा होगा, अल्फा प्लस बीटा इजिकल टू क्या होता है 90 डिग्री होता है। तो अल्फा की वैल्यू क्या हो जाएगी, अल्फा की वैल्यू 90 माइनस बीटा हो जाएगी। तो हम लोग साइन स्क्वायर अल्फा के जगह में 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, तो क्या हो जाएगी, साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा लिख सकते हैं, ये तो हम लोग को प्रूव करना है, प्लस साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगी। अब देखिए साइन स्क्वायर 90 माइनस बीटा को हम लोग क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर बीटा लिख सकते हैं, क्योंकि आपने ये फॉर्मूला पढ़ा है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस
कॉस स्क्वायर थीटा इजिकल टू क्या होता है, वन होता है। आप लोग ने ये फॉर्मूला पढ़ा है, तो साइन स्क्वायर बीटा हो जाएगी, यहाँ थीटा की वैल्यू बीटा है, तो इसकी सिंपली जो वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, इसकी सिंपली वैल्यू आ जाएगी वन हो जाएगी। और यह प्रूव हो गया, ये एल एच था लेफ्ट हैंड साइड का था, और ये हो गया राइट हैंड साइड का, ये हो गई प्रूव्ड। इस तरह से आपको जब प्रूफ करेंगे किसी भी जब ट्रिग्नोमेट्री, ये बहुत अच्छा है कि ट्रिग्नोमेट्री को आपको प्रूफ करने से पहले आपको पहले सोच लेना है कि हमको क्या करना है। जैसे मैंने यहाँ क्या किया कि अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री है, तो मैंने यहाँ सोच लिया कि अच्छा अल्फा को उधर भेजेंगे, जैसे अल्फा बीटा को उधर भेजेंगे तो 90 माइनस बीटा हो जाएगा। जब हम यहाँ रखेंगे तो हम लोग इस फॉर्मूला को इस्तेमाल कर सकते हैं, साइन 90 माइनस बीटा, साइन 90 माइनस थीटा को इस्तेमाल कर सकते हैं, तो इस तरह हम लोग मेरा कॉस थीटा मिल जाएगा। आपको पहले सोच लेना है, देखिए मैंने इसलिए 90 माइनस थीटा निकाला इसलिए कॉस स्क्वायर बीटा हम लोग को यहाँ से सिंपली मिल गया, तो इसका वैल्यू क्या हो गई, वन हो गई। आप देख सकते हैं ये प्रूफ। और हम लोग सबसे, आप आज का हम लोग का सबसे लास्ट प्रूफ में जाते हैं, आज ये सबसे लास्ट प्रूफ रहेगा, और कोई मौका मिला तो इसके बाद और ये कर सकते हैं। जैसे अब क्या है कि यहाँ बोला है कि ए प्लस बी इजिकल टू 90 डिग्री, कोई ए, ये कोई एंगल है, बी कोई एंगल है, दोनों को अगर ऐड किए तो 90 डिग्री निकला। अब और दिया गया है, और क्या दिया गया है कि टेन ए क्या है, टेन ए की वैल्यू 3/4 है, बराबर। तो आप यह बोला है कि कॉट बी की वैल्यू क्या होगी, आप लोग को इतना इन्फॉर्मेशन दिया गया है कि ए प्लस बी इजिकल टू 90 है, टेन ए की वैल्यू 3/4 है, तो इतना को निकालना है। तो सिंपली हम लोग सॉल्यूशन लिखते हैं डायरेक्ट, कॉट बी, कॉट बी बराबर क्या होता है, टेन बी लिख सकते हैं, क्योंकि कॉट बीटा का उल्टा टेन बीटा होता है, कॉट बीटा का उल्टा टेन बीटा होता है, इसको हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, बराबर। और एक चीज़ हम लोग को यहाँ इन्फॉर्मेशन दिया गया है, दिया गया है कि ए प्लस बी इजिकल टू क्या होता है, 90 होता है, तो यहाँ बी का वैल्यू निकल जाएगा, 90 माइनस ए निकल जाएगा। मैं आपको ये प्रूफ करने के लिए नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ मैं आपको ये कह रहा हूँ कि जो मैंने आपको जो आइडेंटिटीज पढ़ाया है, उस आइडेंटिटीज को आप किस तरह इस्तेमाल करेंगे। प्रूफ के पहले आपको सोच लेना है कि हमको क्या करना है। आइडेंटिटीज जो है आपको पहले सोच लेना है, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज में यही एक तरीका है, आपको पहले सोच लेना है कि हमको किस किस तरह से अपना काम को आगे बढ़ाना है जिससे मेरा आंसर निकल जाए। तो इस तरह हम लोग यहाँ लिख सकते हैं, बीटा का वैल्यू लिख सकते हैं 10 90 माइनस ए, हम लोग ने इसका वैल्यू पढ़ा है कि 10 90 माइनस थीटा रहे, तो हम लोग इससे कॉट थीटा, थीटा कोई एंगल है, अब यहाँ थीटा के जगह में ए है, तो क्या लिख सकते हैं, 1/cot A लिख सकते हैं, 10 90 माइनस ए था, तो यहाँ थीटा ना होकर कि यहाँ ए है, तो इसलिए इसी तरह यहाँ लिख सकते हैं cot A। तो इतना बराबर क्या हो गया कि cot बीटा बराबर कितना था, cot बीटा, cot B इतना बराबर क्या है, देखिए इसे cot B बराबर क्या है, आप देखिए 1/cot A है, तो इसको उल्टा करेंगे 10A हो जाएगा, cot B इजिकल टू 10A हो जाएगा, तो 10A की वैल्यू कितना थी, 3/4, इसलिए 10, देखिए cot B इजिकल टू 1/cot A हो गया। अब cot A को उल्टा कीजिए, क्योंकि cot थीटा उल्टा होती है 10 थीटा के, आप अगर cot थीटा को उल्टा बनाना चाहे, एक दूसरा उल्टा होती है, अगर हम इस तरह से 10 थीटा, अब दूसरा को उल्टा लिख सकते हैं cot थीटा, एक दूसरे का उल्टा बनाना चाहे तो हम लोग इसको इस तरह लिख सकते हैं कि 1/cot A था, तो हम लोग लिख सकते हैं 10A लिख सकते हैं जिस तरह यहाँ है, तो 3/4 हो गया, 10A का वैल्यू कितना है, 3/4, इसलिए हम लोग को क्या पूछा था कि cot B का वैल्यू निकालो, तो
इसलिए हम लोग लिख सकते हैं कि कॉट जो है बी का वैल्यू कितना है, 3/4 है। ये हम लोग का आंसर हो गया। मैं आपको ये पढ़ने के लिए नहीं कर रहा हूँ, फिर मैं आप रिपीट कर दे रहा हूँ कि आपको पहले ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज को प्रूव करने से पहले आपको सोच लेना है कि आप इसमें करेंगे क्या, या आपको कोई नहीं बताएगा, सिर्फ आपको मैथ बना के चल जाएगा। लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ कि आपको पहले सोच लेना है, नहीं तो आपका ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज इस तरह होता है कि आप प्रूफ करेंगे कुछ और निकल जाएगा कुछ और, लेकिन वो सही होगी लेकिन निकल जाएगा कुछ और, लेकिन जो आप प्रूफ करना चाहेंगे वो प्रूफ आप नहीं कर पाएंगे। तो लास्ट में प्रूफ में करने जा रहा हूँ, लास्ट में ये पूरा, जैसे ये पूरा अंतिम रहेगा हम लोग का आज का, ये पूरा लास्ट प्रूफ, ये बिहार बोर्ड के लिए चाहे बंगाल बोर्ड के लिए, दोनों बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। साइन बी प्लस सी बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू, इतना प्रूफ करने बोला है। बोला है कि वेर ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180। इसको इतना प्रूफ करने बोला है कि जहां क्या है ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 180 है। तो सिंपली हम लोग लिखते हैं प्रूफ, लेफ्ट हैंड साइड वाला प्रूफ पहले लेफ्ट हैंड साइड वाला लेंगे।